हेलो फ्रेंड्स, मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे केसर पिस्ता मलाई कुलफ बिना गैस चलाए। हम इसको बहुत ही इजी ढंग से घर पे बनाएंगे और बिल्कुल मार्केट जैसा बनेगा। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें जो चाहिए, सबसे पहले हम शुगर लेंगे। 1/4 कप हमने शुगर लिया है और ग्रीन इलायची का पाउडर डाला है। आप हरी इलायची भी इसमें डाल सकते हो। इसको अब हम बिल्कुल फाइन इसका पाउडर रेडी कर लेंगे। तो देखिए, हमने इसका फाइन पाउडर बना लिया है। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट डालेंगे। कुछ मैंने काजू लिए हैं, बादाम हैं और पिस्ता है। तो हम इसको डाल के इसमें दरदरा सा बीट कर लेंगे। इसको बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं बनाएंगे ड्राई फ्रूट का। तो देखिए, हमने इसको बीट कर लिया है और इसका दरदरा एक देखिए हमने बैटर रेडी कर लिया है। अब हम इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। बहुत ही इजी बन के रेडी होता है ये कुल्फ और बहुत ही टेस्टी बनता है। आप मार्केट का कुल्फ भूल जाओगे। एक बार इसको बना के ज़रूर देखिए। यहाँ मैंने 4 ब्रेड लिए हैं, वाइट ब्रेड ली है मैंने, और इसके जो साइड ब्राउन पार्ट है उसको हम निकाल देंगे। इससे जो कुल्फ है वो अच्छा नहीं बनेगा, इसको ज़रूर निकालना है। हमने चारों तरफ से हम इसको निकाल देंगे और इसके छोटे पीस कटिंग करके मिक्सी के जार में हम डाल लेंगे। तो देखिए, हमने सारी ब्रेड हमने मिक्सी के जार में डाल रही हैं और 1 कप हमने दूध लिया है, बॉयल किया हुआ ठंडा दूध है। और इसमें हम कुछ डालेंगे केसर के धागे, क्योंकि हम केसर पिस्ता कुल्फ बना रहे हैं। तो अगर आप केसर नहीं डालना चाहते तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। तो देखिए, हमने इसको बीट कर लिया है और कितना बढ़िया हमारा बैटर बन के रेडी हुआ है, क्रीमी बिल्कुल। अब हम इसमें बिल्कुल फ्रेश मलाई डालेंगे। इसमें फ्रेश मलाई ही डालनी है। मलाई डालने के बाद हमने मिक्सी को चलाना नहीं, ऐसे स्पून से हम इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम सारा बैटर जो हमने ड्राई फ्रूट का पाउडर रेडी किया था उसमें अब हम डाल के अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और देखिए कितना बढ़िया हमारा बैटर रेडी हुआ है, कितना क्रीमी है। अब हम आइसक्रीम मोल्ड लेंगे। ये बाज़ार में बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं। अगर आपके पास ये ना हो तो आप जैसे स्टील की छोटी गिलासी होती है उसमें भी आप इसको बना सकते हो। ऐसे ही मैं सारे मोल्ड ऐसे ही रेडी कर लूँगी भर के। तो देखिए, हमने सारे रेडी कर लिए हैं। अब हम इसके ढक्कन बंद करके इसको अब हम ओवरनाइट के लिए फ्रीज़र कर देंगे। 6 से 7 घंटे में भी आइसक्रीम कुल्फ बन के बिल्कुल रेडी हो जाता है, लेकिन इसको ओवरनाइट रखेंगे तो बहुत ही बढ़िया रिज़ल्ट आता है। तो हमने ये रेडी कर लिए हैं, अब हम इसको ओवरनाइट के लिए रख देंगे। ओवरनाइट के बाद हम चेक करते हैं। देखिए, हमारा जो कुल्फ है बहुत ही बढ़िया बन के रेडी हो चुका है। अब हम आपको दिखाते हैं। इसको थोड़ा हम पानी लेके गिलास में उसमें 2-3 मिनट हिला देंगे और देखिए कितना बढ़िया कुल्फ बन के रेडी हुआ है। चाकू से थोड़ा हिलाएंगे इसको और अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। तो देखिए, कुल्फ कितना बढ़िया बन के रेडी हुआ है। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर आप इसको ट्राई करेंगे तो कमेंट में मेरे को ज़रूर बताइए कि कैसा बना। तो इसके ऊपर आप रोज़ फ्लेवर डाल सकते हो, बिल्कुल ऑप्शनल है। इससे बहुत ही टेस्ट अच्छा आता है। तो आपको कैसी लगी ये रेसिपी? उम्मीद है आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप कमेंट ज़रूर किया करो, चाहे आपको रेसिपी अच्छी लगे तो भी किया करो, अगर ना अच्छी लगे तो रीज़न बताया करो, है ना? तो पता चलता है कि हमारी रेसिपी कैसी है। तो प्लीज़, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।